नगरी निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की प्रक्रिया के बीच आज देवास में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी ने पट्टावाद की बात को कहा कि पट्टावाद नहीं चलेगा एवं त्याग का एवं समर्पण की भावना रखे कांग्रेसी, लेकिन देखना ये है कि आखिर इस बात पर कब गौर और फिक्र होगा और क्या वाकई इस तरह का काम नहीं चले। दूसरी बात यहाँ पर रखी गई कि दिल्ली भोपाल से टिकट नहीं होंगे, बल्कि जो स्थानीय चयन समिति है उसके द्वारा दिए गए नाम पर ही मोहर लगाई जाएगी। जो जिस क्षेत्र का निवासी है उसको वहाँ से टिकट दिया जाए, ये देखने में आता है कि पहला शूट से उम्मीदवार टपका दिए जाते हैं, किसी नेता के पट्टे को टिकट दे दिया जाता है, तो इसलिए क्षेत्र के लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें वहाँ से चुनाव हारना पड़ता है। मेरा एक निवेदन ये है कि चाहे वार्ड हो, चाहे जनपद का क्षेत्र हो, चाहे जिला पंचायत का क्षेत्र हो, जो स्थानीय हमारे उम्मीदवार हैं उनको आप अगर मौका देंगे तो निश्चित रूप से हम इस चुनाव में कामयाब होंगे, चाहे आपका कोई पट्टा कितना भी प्रभाव आप संकल्प लेता हूं कि कांग्रेस संगठन के लिए अपने आत्मसमर्पण से आप और हम सब मिलकर कमलनाथ जी को धन्यवाद दीजिए कि ना आपको भोपाल जाना पड़ेगा ना दिल्ली जाना पड़ेगा, आपकी टिकट कमेटी बना दी गई है, सारी टिकट महापौर से लेके जिला पंचायत तक वो ही बांटेगी, वो ही बांटेगी, इसलिए आपको दिल्ली भोपाल जाने की। अब 10,000 होते हैं लेकिन उम्मीदवार केवल एक ही होता है। ये आज ये पूरे जिले की ग्रामीण चुनाव, पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत, इन सारे चुनावों की बैठक और जो हमने एक जिला कमेटी बनाई है चयन की, उन सारी लोगों की आज बैठक थी। आज गाइडलाइन देना था, इसके बाद कोई बैठक नहीं होगी, हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में जाके सक्रिय होगा, हर वार्ड में जाके सक्रिय होगा। एक गाइडलाइन जो कांग्रेस कमेटी की है वो गाइडलाइन हमने अपने कार्यकर्ता साथियों को दी है कि इस गाइडलाइन से अलग हटके कोई प्रयास ऐसा मत करना जिससे कांग्रेस डैमेज हो। इस समय कांग्रेस को जीत की आवश्यकता है और निश्चित रूप से बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में वातावरण है, महंगाई, बेरोजगारी, किसान के हाथ कमज़ोर हैं, ऐसा कोई विषय नहीं जिस पे देश पीछे न जा रहा हो। तो हमें बड़ा ठीक हमारे लोगों के लिए समय है कि जनता का साथ हमें मिला, उसको साथ लेके चले और विजय श्री हासिल करें। भैया, अपने कांग्रेस पे हमेशा आरोप लगता रहा है कि गुटबाजी और पट्टावाद, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने स्थानीय स्तर पे बना दी ना कमेटी, हर आदमी अपनी आँखों से देखेगा, जो कमेटी में हर जो को ग्रुप मान लो, कुछ भी मान लो, हर साथी अलग अलग भले नेता को मानना हो लेकिन कांग्रेस के झंडे के लिए उन सब की एक कमेटी बना दी, एक दूसरे के साथ संवाद करके गुण दोष के आधार पे, मेरिट के आधार पे जो जीतने वाला है उसी को। भैया, आपका आगरा में बयान आया था, जिस तरह से आपने जिन्ना को लेके बयान दिया था उसके बाद से बीजेपी कहना का या उसको लेके बोल रही है कि जिन्ना का प्रेम आ रहा है? नहीं, मैंने स्वतंत्रता संग्राम जैसे अभी यहाँ भी भाषण में कहा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का संदर्भ चल रहा था कि कांग्रेस के लोगों ने स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सेदारी करके आज स्वतंत्रता की सांसें दिलाई, नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल, जिन्ना जी, जी उनको बोलना कर गया, क्योंकि उनको तो देश बांटना है, बीजेपी वालों को हिंदू मुसलमान करना है, मंदिर मस्जिद करना है, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम के पीछे जी लगाना, क्या ये हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक नहीं है? क्या उस भारतीय संस्कृति को खंडित करना चाहती आरएसएस और बीजेपी? अडवाणी जी जब जिन्ना जी की मजार पे फूल चढ़ाने जाते हैं तब भाजपा के बिच्छुओं को दर्द नहीं होता? जब गुजरात में आज से 3 महीने पहले भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक गुजरात में हुई, वहाँ महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के फोटो लगे थे 25, उसमें जिन्ना जी का भी फोटो लगा था, तब आपको दर्द नहीं हुआ? सज्जन वर्मा चूंकि कांग्रेस का है तो जिन्ना जी बोलने पे कष्ट हो गया, अरे
हमारे लिए वो हर व्यक्ति हिंदू सिख हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिसने स्वतंत्रता के संग्राम में हिस्सा लिया हमारे लिए देवदूत है। तुम जैसे लोगों का देवता नाथूराम गोडसे होगा, हमारा देवता महात्मा गांधी और उसकी टीम।